Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिफेंस अड्डा पे। डिफेंस अड्डा जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है आपकी अड्डा 24/7 की, जहां डिफेंस की पूरी तैयारी आप सभी को कराई जाती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कुछ 30 क्वेश्चंस। चलिए, प्रशांत पांडे, अश्विनी शिंदे, वेलकम। एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और गाइज, आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो। और ईद के इस पावन अवसर पे, ईद के इस पावन अवसर पे 70% की भारी छूट दी जा रही है, सो दैट आप अपनी डिफेंस की प्रिपरेशन बिना रोके आराम से कर सके, Y223, और आप डिफेंस का महापैक इजीली परचेज कर सके, ठीक है। इससे 77% की छूट भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको पेड वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। जल्दी से ज्वाइन करें गाइस, शेयर कर दें एक बार ग्रुप में ताकि सारे लोग आ जाएं। चलो फास्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और भाई पहला सवाल क्या है, पहला सवाल स्टार्ट करें इससे पहले मैं बता दूं, अड्डा 24/7 ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, भाई अड्डा 24/7 ऐप को जरूर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ जाके आपको कोर्स परचेज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ रोजाना आपको जीके, क्विजेज, न्यूज अपडेट्स, रोज फीडबैक मिलती। चलिए पहला सवाल, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या बैरोमीटर। फास्ट, चलिएगा भाई बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो पहला जवाब आ रहा है हाइग्रोमीटर। क्या बाकी बच्चों का भी जवाब यही है, आपको लगता है कि हाइग्रोमीटर इज द करेक्ट आंसर, यस और नो, जल्दी से बताइएगा। द आंसर गिवन बाय पीपल जो ये कहते हैं कि भाई हाइग्रोमीटर ही सही है, क्या आप लोगों को लगता है कि जो हाइग्रोमीटर बताया गया है वो सही जवाब है? तो हाइग्रोमीटर ही मॉइस्चर कंटेंट को क्या करता है, मेजर करता है। हाइग्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट which measures the moisture content, which measures the moisture content of a body, moisture content present in air, present in air। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर टू, द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज सर्कुलर, स्पाइरल, एलिप्टिकल या none of the above। बताइए द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी कैसा है। फर्स्ट, मिल्की वे गैलेक्सी का जो शेप है कैसा है। एलिप्टिकल, स्पाइरल, आयशा सिंह का कहना है सर स्पाइरल है, देखते हैं आयशा सही है या बाकी लोग सही हैं। और भाई मैं आपको बता दूं, हमारा जो मिल्की वे है इट इज अ
स्पाइरल गैलेक्सी, इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी, और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर लगभग 1 लाख भी मैं अगर कहूं तो कभी होगा, इट इज मोर देन 1 लाख टू करीबन, इट इज मोर देन 1 लाख टू करीबन 1,20,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। अगर मैं अपने गैलेक्सी की ही बात करूं, अगर मैं अपने इस स्पाइरल गैलेक्सी की बात करूं, तो ये 1 लाख से 1 लाख 20,000 क्या लाइट ईयर्स के डायमीटर में होता है, लाइट ईयर्स के डायमीटर में होता है, व्यास में होता है, ध्यान रखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53, द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी या रेडिएशन विद इन देम। हाँ बिल्कुल भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है। द डिफरेंट कलर्स ऑफ डिफरेंट स्टार्स आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डेंसिटी या रेडिएशन विद इन देम। टेम्परेचर प्रेशर या फिर रेडिएशन विद इन देम, सही उनके तापमानों के वजह से ऐसा होता है। तो अलग अलग रंग हमें दिखते हैं अलग अलग तारों के, वो उनके तापमान की वजह से। सोनू यादव, अंजलि सिंह, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरीज, एसिड बेड इंटरैक्शन, डायलिसिस, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सोच के जवाब देंगे, क्या होगा सही जवाब, ए बी सी या डी। फर्स्ट हाँ जी, क्या जवाब आया है इसका, सही जवाब है डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो वैज्ञानिक सिद्धांत जिस पर बैटरी ऑपरेट करता है, इट इज नॉट एसिड बेस इंटरैक्शन और डायलिसिस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इट इज डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड। अश्विनी, शतवी, कलमूर, कुतुन भट्ट, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। Instrument used to measure the force and velocity of wind is ammeter, anemometer, altimeter या audiometer. Instrument used to measure the force and velocity of wind is ammeter, anemometer, altimeter, audiometer. Audiometer. सही? आसान आसान से सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है कि लगे कि हाँ सर ये तो जिला इलाहाबाद ही है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो आपके आए दिन पेपर में दिखने वाले हैं। फास्ट क्या होगा भैया, एनीमोमीटर कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, तो इतना क्यों सोच रहे हो। एमीटर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट मेजर्स द intensity of electric current, it measures the intensity of electric current. Altimeter you measures height, measures. Audiometer is used to measure pitch of sound. सही जवाब anemometer, speed of wind. अगला सवाल, question number 56, woolen clothes keep the body warm because, जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, क्यों, क्योंकि वुल इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो ऊन है वो शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, वुल बैड कंडक्टर है, या वुल अब्सॉर्ब्स रेडिएट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट्स, या वुल रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। फर्स्ट 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 इतना धीरे कैसे हो सकते हो आप सब,
सोच सोच के जवाब दे रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट उठे हैं। जल्दी बताइए। वुलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज वुल इज अ बैड कंडक्टर। वुल इज अ बैड कंडक्टर, बिल्कुल सही जवाब। वुल रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है वो, ये बैड कंडक्टर है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो ना लेगा ना जाने देगा, तो सही बात है, अंदर ही हीट ट्रैप हो जाएगा, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल्ड, हाफ इंक्रीज बाय अ फैक्टर रूट टू, डिक्रीज बाय अ फैक्टर रूट टू, बताइए, तड़ तड़ जवाब दीजिए। हाँ भैया, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज हाफ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज क्या होता है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विल बी 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, तो एल क्या हो जाता है रूट टू, तो इट विल डिक्रीज बाई अ रूट, कुटुन भट्ट बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब यह है, अश्विनी का जवाब गलत, गोल्डन कुमार इसका जवाब बी दिया है या ए दिया है, बेटा आपका जवाब गलत है, कैसे नहीं समझ रहे हो कि E is equals to 2 pi root over L by G होगा, root over L by G होगा, तो अगर length of the pendulum is halved, अगर length को double की है, तो it will be root 2 times, ना? period of oscillation कितना हो जाएगा, ये जो time period हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, root 2 times हो जाएगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, correct option is option number 2, अगला सवाल question number 58, mist is caused by dry ice, ice at low temperature, water vapor at low temperature, या carbon monoxide in solid form, question number 58, first, जल्दी जल्दी बतावे, बच्चों जल्दी बताओ क्या होगा जवाब, 58 का जवाब आ रहा है 3, क्या आपको लगता है कि 58 का जवाब 3 होना चाहिए, कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि इसका जवाब 3 होना चाहिए, मिस्ट इज अ फेनोमेनन व्हिच इज कॉज्ड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, और इसका बिल्कुल सही जवाब, इट इज वाटर वेपर एट लोअर टेम्परेचर, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज मिस्ट, मिस्ट को अगर हम बात करें तो मिस्ट इज व्हाट, इट इज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, मिस्ट इज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन एयर, व्हाइल कैचिंग अ बॉल अ प्लेयर पुल्स हिज हैंड्स टू लोअर द फोर्स मोमेंटम इंपल्स या कैचिंग टाइम, जब किसी गेंद को पकड़ना होता है तो जो प्लेयर है वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खेलता है, क्या कम करने के लिए, बल को, मोमेंटम को, इंपल्स या कैचिंग टाइम को, जल्दी बताएं, मोमेंटम ना, मोमेंटम को बचाता है, मोमेंटम को रोकता है, अभी तक देखिए जवाब नहीं आया, मतलब हद से ज्यादा आज आप लोग ढीले पड़ रहे हो, एफकेट नाम का आप सब दे रहे हैं, व्हेन अ बैरोमीटर रीडिंग सडनली रिसीड्स, अगर वायुमंडलीय ताप को जो मापने वाला उपकरण बैरोमीटर है वो अचानक से उसमें गिरावट आ जाती है तो वो क्या इंडिकेट करता है, गर्म मौसम को, बहुत ज्यादा तूफानी मौसम को, ठंडे मौसम को, या फिर पिछले 4 घंटे से बारिश हो रही है इस मौसम को, बताइए,
अश्विनी शिंदे इंपल्स कैसे होगा बेटा, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। यहां क्या पूछा था कि प्लेयर जब बॉल, अब बेटा इंपल्स तभी लगा, इंपल्स जब मैंने बोल दिया इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, तो जब कभी एक बॉल हवा में ट्रैवल कर रहा है, जब ये बॉल हवा में ट्रैवल कर रहा है तब तो एक खिलाड़ी के हाथ में आएगा, आया ना, तभी तो एक खिलाड़ी के हाथ में आएगा। तो भैया इस खिलाड़ी के हाथ में आने के लिए इस बॉल को किसी के कॉन्टैक्ट में होना चाहिए अगर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा तो, लेकिन जब ये हवा में है तो फोर्स की बात ही नहीं आएगी। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हवा में हो तो याद रखना कि मोमेंटम इज एप्लीकेबल बिकॉज फोर्स इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद इट। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी। गड़बड़ाए नहीं और फिजिक्स के नए नए लॉज खुद से मत लिखो। This will be stormy. It will be extremely stormy. बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, a particle dropped from top of a tower forms uniformly on the ground at a distance which is equal to the height of the tower. एक पदार्थ को अगर हम किसी टावर से गिराते हैं जमीन पर एक सर्टेन दूरी पर which is equal to the height of the tower, मतलब अगर ये टावर है, अगर ये टावर है और टावर से ठीक टावर की लंबाई की दूरी पर ही अगर मैं किसी पार्टिकल को फेंकता हूं, कहता है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग पाथ विल बी ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल, सर्कल, पैराबोलिक, ग्रेट सर्कल या हाइपर पैराबोलिक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, पैराबोलिक पाथ दिख भी रहा है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई नॉर्दर्न रस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक या सीपी स्वैनसन। फर्स्ट पौछाड़ कीजिए समय जवाब। गाइस क्या बात है, इतने कम बच्चे क्यों हैं, क्या बात है? हाँ लाइव बैच चलती है क्या अभी इस टाइम पे? कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई नॉल एंड रश्का। अगला सवाल, When a bottle of scent is kept open in a corner of a room, its odor is felt in all parts of the room. This is due to the phenomenon of evaporation, vaporization, diffusion या sublimation. सही है? जब एक scent की बोतल एक कोने में खोल दी जाती है तो पूरा रूम जो है सुगंधित हो जाता है, evaporation, vaporization, diffusion या sublimation. 63. अच्छा पेड बैच के क्लासेस चालू हैं अभी। When a bottle of scent is kept open in a corner of a room, its odor is felt in all parts of the room. इसका सही जवाब diffusion. Diffusion will be the correct answer. विसरण की विधि से वो फैल जाता है। अगला सवाल, question number 64. Clear nights are colder than cloudy nights because of conduction, condensation, radiation या insulation. Insulation, बताइए। Insulation नहीं होगा, ये insulation होगा। Clear nights are colder than cloudy nights. किसके वजह से? Conduction, condensation, radiation या insulation? A, B, C और D. Clear nights are much colder than cloudy nights. क्योंकि geothermal radiation को radiate नहीं हो radiate हो जाता है आसानी से, और cloudy nights रहेगा तो geothermal energy क्या होती है? Radiate नहीं हो पाती। अगर समझ लो कि रात में बादल घिरे हुए हैं, बादल घिरे हुए, दिन में जो सूर्य की तपन से धरती तपी थी उसका जियोथर्मल एनर्जी क्या हो जाता है? ट्रैप्ड हो जाता है। जियोथर्मल एनर्जी गेट्स और जब जियोथर्मल एनर्जी ट्रैप हो जाता है ऑब्वियस सी बात है कि ये गर्म हो जाएगी, और ये इस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल रेडिएशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, रेडिएशन, जो थर्मल रेडिएशन एनर्जी गेट्स। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नहीं था, कंडक्शन नहीं था फुटन, नहीं उड़ान का जवाब सही है, नहीं अश्विनी, नहीं कंडेंसेशन उड़ान का सही है। बेटा एक दूसरे का छाप देते हो सब, नहीं एक ने कोई दिया बस छाप दे दी, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि भैया ऊपर से सूर्य की हीट आई थी उसके वजह से गर्म हुआ होगा ना, तो अगर बादल नहीं रहेगा तो वो जियोथर्मल एनर्जी वापस से रेडिएट कर जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो तो निर्वात में भी जा सकता है। अगला सवाल, स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटेस्ट किसमें होगा? जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा।
वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा हो, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स जिसमें ज्यादा हो, कणों की कंपन जिसमें ज्यादा हो, उसी में साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा हो। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स किसमें ज्यादा है? वाटर, ग्लास, एयर और ग्लिसरिन, बताइए। वाटर, ग्लास, एयर और ग्लिसरिन। फास्टर, सोनी यादव का जवाब है ग्लास। बिल्कुल सही, ग्लास इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, ग्लास इज द करेक्ट आंसर। बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी वन आगे उसके बाद टू ना लिखे, मैंने थ्री लिख दिया था, फिर टू लिखा था, फिर फोर लिखा था, तो ये याद रखना। ग्लास इसमें है, वाटर लिक्विड होगा और सबसे कम एयर में होगा। तो दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज एयर या गैस। तो सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अगला सवाल, अ गैस थर्मोमीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर बिकॉज अ गैस इज लाइटर देन अ लिक्विड, एक्सपैंड्स मोर देन अ लिक्विड, इज इजी टू ऑब्टेन या डज नॉट चेंज स्टेट इजिली। एक गैस थर्मोमीटर को देखें तो इट इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मोमीटर, क्योंकि अ गैस इज लाइटर देन अ लिक्विड, एक्सपैंड्स मोर देन अ लिक्विड, इज इजी टू ऑब्टेन या डज नॉट चेंज स्टेट इजिली। गैस थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है लिक्विड थर्मोमीटर से बिकॉज गैस इज लाइटर देन अ लिक्विड, या क्या रीजन है? जल्दी जल्दी, इसका सही जवाब है इट डज नॉट चेंज स्टेट इजिली। गैस थर्मोमीटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है लिक्विड थर्मोमीटर, बिकॉज गैस थर्मोमीटर ज्यादा सेंसिटिव इसलिए है थर्मोमीटर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि गैस जो है वो जल्दी स्टेट नहीं, लिक्विड गैस में बदल जाती, सॉलिड लिक्विड में बदल जाती, लेकिन गैस को लिक्विड में या सॉलिड में आने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। सोनू यादव, ऋषिकेश, सूरज शर्मा, महेंद्र सिंह धूत, आप सभी का जवाब गलत है। अतुल छोयाल, एकदम क्लियर क्लियर ही दिख रहा है कि कोई एक बंदा लिख रहा है एक्सपैंड मोर या बी, सब छाप दे रहे हो उसका। आप ये समझिए कि आपके आगे लिखने वाला हर एक बंदा जरूरी नहीं कि वो न्यूटन हो, ध्यान रखिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सनग्लासेस, इनमें से किसका इस्तेमाल सनग्लासेस के लिए किया जाता है? पायरेक्स, फ्लिंट, क्रुक्स या क्रिस्टल ग्लास? इसका जवाब बताइए। टाइप्स ऑफ ग्लासेस, उसके रंग वगैरह सब कुछ बताया है आप सभी को। Which one of the following is used for sunglasses? Pyrex glass, flint glass, crux glass या crystal glass? Wrong होगा ही ना, एक दूसरे का कॉपी करोगे तो wrong होगा ही। किससे बनाया जाता है? क्रुक्स ग्लास से बनाया जाता है सनग्लासेस। क्रुक्स ग्लास से बनाया जाता है सनग्लासेस। जितने भी सनग्लासेस हैं वो किससे बनते हैं? क्रुक्स ग्लास से बनते हैं। इट इज मेड अप ऑफ क्रुक्स ग्लास। सही जवाब इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स अनऑल्टर्ड या ड्रॉप सडनली? सही है। फास्टर रेस्पॉन्सेस, रेस्पॉन्स को थोड़ा सा फास्ट करें, ऐसे मामला नहीं बनेगा, थोड़े से मामले को तेज बनाएं।
एक सेकंड रुकना बच्चों, आप लोग जवाब देते। प्रॉब्लम हो गया, जस्ट आई एम करेक्टिंग इट। स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर इन द मीडियम, क्या 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 लगता है, क्या होगा जवाब भाई? इट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। अगर स्पीड ऑफ लाइट को देखें, तापमान में अगर बढ़ जाएगा तो चाल में कोई तब्दीली नहीं आती या तब्दील हो जाएगा बेटा। अगर राइज इन टेम्परेचर होता है तो यह अनऑल्टर्ड नहीं रह सकता। लेकिन अगर आप स्पीड ऑफ विंड की बात करें, अगर हम स्पीड ऑफ विंड की बात करें, बिकॉज मैं देखो इसकी बात कर रहा था, विंड की स्पीड की बात कर रहा था, हवा की चाल की बात कर रहा था, तो हवा ये साउंड की स्पीड की बात कर रहा था, तो साउंड की स्पीड जो है वो 0.61 मीटर पर सेकंड में बढ़ जाती है जब तापमान बदलता है, स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बेटा जिन लोगों ने इंक्रीज दिखा ना, उन सबका जवाब गलत है। स्पीड ऑफ साउंड ना कि स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेस। आप ये बताओ कि जब एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं, एयर कंडीशनर की बात करते हैं, तो एयर कंडीशन में होता क्या है, जो ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी है वो 60 to 65% मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर जो है वो 22 से 25 मेंटेन करते हैं और स्पीड ऑफ विंड जो है वो 0.25 मीटर से लेके 0.5 मीटर पर मिनट के रेस्पेक्ट में चलाते हैं। अगर ये चीज मेंटेन रहा तो हम कहते हैं कि एयर इज कंडीशन, तब शरीर में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। अगर मैं प्रकाश की बात करूं तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट कब से टेम्परेचर पर डिपेंड होने लगा? अगर ऐसा होता तो आप ये सोचो ना कि सूर्य के बगल में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो तो शटाक से निकलती एकदम, और हमारे यहां समझ लो कहीं आग लगी होती तो वहां स्पीड ऑफ लाइट तेज हो जाती। कैसी अविश्वसनीय बात कर रहे हैं आप? लाइट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है। और आप कहते हैं कि सर टेम्परेचर से उधर साउंड का कोई लेना देना नहीं है, तो आप ये बताइए किस सोच से आपने ये कह दिया? फिर ठंड के दिन में तेज सुनाई क्यों देती है, गर्मी के दिनों में तेज सुनाई नहीं देती, ऐसा क्यों? वाई? कैसे कह सकते हैं आप? लॉजिकली सोचो ना, कुछ भी लिख देते हो आप सब। किसने लिखा था, मैं नाम भी बता रहा हूं, शर्मा। टेम्परेचर से साउंड का कोई लिंक ही नहीं, वाह। ठंडे में तेज सुनाई देना, गर्मियों में ना सुनाई देना, ये कैसे होता है? लाइट देखा नहीं था और साउंड सुना था, मतलब इतना बड़ा लाइट लिखा हुआ वो देखा नहीं था आपने? देखा कीजिए। अगला सवाल, क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे, बताइए ठंड में हमें कपड़े गर्म रखते हैं क्यों? गजनी बन के आप लोग जवाब ना दिया करें सारे लोग, और यही वजह है कि एग्जामिनेशन में आप सबके मार्क्स मैक्सिमम लूज कर आते हो। देखते ही नहीं हो कि क्या पूछा है सवाल और बस अपने हिसाब से जवाब देना है। अरे देख तो लीजिए, वो एक कॉमन डायलॉग भी है ना भाव का, अरे रुको जरा, वो वाली बात है, थोड़ा सा रुको जरा, क्वेश्चन तो पढ़ लो। हैं? कहां जाना है, कहीं जाना तो है नहीं, फिर इतनी काहे दिक्कत लिए हुए।
अगला सवाल तैयार है? इस सवाल का जवाब दोगे आज? आज के दिन में दे दोगे आप सब जवाब? डी आया है, किसी ने स्किप भी कर दिया है। और इसका सही जवाब बच्चों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। इट प्रिवेंट्स द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। हम जानते हैं कि अभी वूल क्या था, ठंड के दिनों में जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो कैसा कपड़ा होता है? वूलन क्लोथ्स, वो वूलन क्लोथ्स होता है। और वूलन क्लोथ्स क्या होते हैं? वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर वो कुचालक है तो ना लेगा ना देगा, जिससे अंदर का हीट बॉडी का अंदर ही ट्रैप्ड हो जाएगा, जिसके वजह से हम गर्म रहते हैं। तो इट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एस्केपिंग। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70। इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस द कूलिंग? रेफ्रिजरेटर में ठंडक क्या पैदा करती है? द आइस जो फ्रीजर में जमता है, सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस, इवापोरेशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड, या नन ऑफ दीज? ए बी सी या डी? क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। फास्ट बच्चों, फास्ट, समय नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लेट चल रहे हो आप। क्या होगा सर? स्किप, इस क्वेश्चन को भी स्किप किया। और सवाल बड़ा आसान सा था कि रेफ्रिजरेटर में ठंडक कौन पैदा करता है। तो रेफ्रिजरेटर में जो ठंडक पैदा करता है वो ना ही वोलाटाइल लिक्विड और ना ही ये कंप्रेस्ड लिक्विड, बल्कि उसके अंदर एक एक्सपेंडिंग रेफ्रिजरेंट गैस होता है, ठीक है ना? एक एक्सपेंडिंग रेफ्रिजरेंट गैस होता है। इट इज नॉट अ कंप्रेस्ड गैस, इट इज अ सडन एक्सपेंशन ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस। बी इसका सही जवाब था या डी इसका सही जवाब था, क्या कहते हैं? याद रखना, कंप्रेशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट गैस। जिन लोगों ने एक्सपेंशन दे दिया है ना, इसके वजह से ये गलत है। और आइस की वजह से तो गलती है, इवापोरेशन गलती है। सही जवाब नन ऑफ दीज, इज कंप्रेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस। अगला सवाल, व्हाई आर वी एबल टू हियर शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट? तो शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्ट है वो हम अच्छे से सुन लेते हैं, और लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट क्यों नहीं सुन पाते? फास्ट, गैस सडनली एक्सपैंड कर जाएगी तो लिक्विड बन जाएगी, बिल्कुल। क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर 71, इसका सही जवाब। भाई बहुत धीरे नहीं जवाब दे रहे हो आप लोगों को? नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ही धीरे जवाब दे रहे हो आप सब? है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स, है ना? उनमें पिच हाई होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ये एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस से अनअफेक्टेड होते हैं। ब्रॉडकास्टर्स आर मेड बाय नियर बाय रेडियो स्टेशंस meant for long distances। ये सही जवाब नहीं है, सही जवाब इज ऑप्शन नंबर। अगला सवाल, when the barometer readings dip suddenly, what is an indication? अचानक से अगर वो गिर जाती है तो इंडिकेशन किसका है? तो अचानक से अगर वो गिर जाती है तो ये तूफान का संकेत देती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 73, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्राई एयर, पेपर, केरोसिन और ग्रेफाइट। तो इसमें से आपको अच्छा क्या पूछा है? सुचालक पूछा है। तो अच्छा सुचालक आप जानते हैं इनमें से क्या होगा? ना केरोसिन, ना पेपर, ना ड्राई एयर। अच्छा सुचालक क्या होता है? ग्राफाइट होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? बायोगैस, विंड, सोलर या कोल? मैं चाहता हूं ऐसे सवाल करिए ताकि 50 सवाल करें। नॉन रिन्यूएबल इनमें से कौन है? बायोगैस, विंड, सोलर या कोल? जल्दी से बताइए। तो इनमें से सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है।
नॉन रिन्यूएबल एक बार जल गया तो जल गया, विंड तो वापस आ जाएगा, बायोगैस वापस आ जाएगा, सोलर आ जाएगा, लेकिन कोल दोबारा एक बार जो जल गया वो जल गया, फिर मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद, कई हजार साल करोड़ों साल के बाद वो मिनरलाइज्ड प्रोसेस से वापस से फॉसिल फ्यूल बन के फिर कोयला बनेगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 75, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, परासरण, आसवन, प्रकाश संश्लेषण या ट्रांसपिरेशन, इनमें से कौन सी विधि है जिसमें सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जल्दी बताइए फास्ट, तड़ तड़ जवाब देना है। तो प्रकाश संश्लेषण की विधि में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 76, द टर्म इक्विनॉक्स मींस द पाथ विच द अर्थ टेक अराउंड द सन, द एक्सिस ऑफ द अर्थ अराउंड विच इट रोटेट्स व्हेन द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन, या द टाइम व्हेन सन सीम्स टू बी गोइंग राउंड एंड राउंड इन द स्काई इन द आर्कटिक बट डज नॉट गो बिलो द होराइजन, या फिर वो समय जिसमें सूर्य लगता है गोल गोल घूम रहा है ये क्षितिज पे लेकिन डूब नहीं रहा है, इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। और इक्विनॉक्स कहा जाता है जब दिन और रात एक ही ड्यूरेशन के हो, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 77, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, तो हीट कम्स इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ये हमें प्राप्त होती है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 78, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क, गतिज ऊर्जा का इस्तेमाल कार्य करने के लिए इनमें से किसमें इस्तेमाल किया जाता है, पैडलिंग द बाइसाइकिल टू कवर अ डिस्टेंस, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस, विल्ड मिल, ग्राइंडिंग व्हीट ग्रेन, रोविंग अ बोट इन द लेक इन द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट, बताइए क्या होगा सही जवाब, और इसका सही जवाब क्या लगता है आपको, इसका सही जवाब आपको भी और मुझे भी लगना क्या चाहिए कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी काम कर रही है काम करने के लिए, तो ड्राइविंग अ कार टू कवर डिस्टेंस, तो इसमें कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारी कोई पोटेंशियल नहीं लगी, लेकिन जब तेल पोटेंशियल यूज करके टायर्स को काइनेटिक मूवमेंट करा रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से हम डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेड लाइट, इंफ्रारेड एंड कॉस्मिक रेज, ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है, ये सवाल थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया, ऐसा सवाल अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो आप इसे ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लाइट ब्लॉक्स इंफ्रारेड, फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लाइट ब्लॉक्स इंफ्रारेड रेडिएशन, सही, अगर इस सवाल को मैं कंप्लीट कर देता हूं और ऑप्शंस यही रखता हूं बताइए क्या होगा जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ लाइट ब्लॉक्स इंफ्रारेड रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेड लाइट, इंफ्रा रेड लाइट या कॉस्मिक रेज, ए बी सी या डी, क्वेश्चन नंबर 79। क्या लगता है अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई मजबूत आदमी आपके सामने आया तो ये आया हार जाओगे, अगर कोई कमजोर आया तो जीत जाओगे, तो या तो हार होती है या तो जीत होती है, लेकिन अगर आपके बराबर का आ गया तो क्या होगा, ना आप हारोगे ना जीतोगे, मतलब ड्रॉ होगा, तो कौन ब्लॉक कर पाएगा, ब्लॉक वही कर पाएगा ना जो जिसकी सेम वेवलेंथ सेम इंटेंसिटी हो, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना था, लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। अगला, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू mx + cmt, नहीं mx + c, अच्छा टाइम के रेस्पेक्ट में बोला है ना, mt + c ही रहने दो, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू mt + c, देन द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन या वैरिंग एक्सीलरेशन, क्वेश्चन नंबर 80 बताइए, if the velocity time graph of a particle is represented by y is equals to mt plus c, then the particle is moving with constant speed, constant velocity, constant acceleration या varying acceleration, a b c or d, first अगर आपसे कह दिया कि ये किसका इक्वेशन है y is equals to mx plus c, स्ट्रेट लाइन का ना, तो अगर एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है,
और ये अगर स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में, तो मतलब जितना वेलोसिटी उतना समय, जितना वेलोसिटी उतना समय, जितना वेलोसिटी उतना समय, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा कि नहीं चल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं थे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ अ लाइन मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हाइट्रेक्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आज हमने 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन बेटा कल से 50 के लिए तैयार हो कि नहीं, कल से 50 के लिए तैयार हो कि नहीं, कल से बेटा 50 क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। आज के सेशन में बस इतना ही। रोजाना 12 PM ऑन डिफेंस, 12 PM ऑन डिफेंस, कल थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करके आए, ठीक है। और एफकेट 2 की बैच जो लॉन्च हुई है उसमें अपनी एनरोलमेंट जरूर करा ले, एफकेट 2 बैच में अपनी एनरोलमेंट जरूर करा ले। कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पूरी कंसेप्ट मैं वहां क्लियर कराऊंगा। कूपन कोड Y223 लगा के आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जय हिंद गाइज, जय हिंद। Don't forget to like, share and subscribe Adda 24/7 channel. Also download Adda 24/7 app.